नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अशोक पांडे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। जी हां, पैसों से संबंधित है। मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस दूसरी वाइफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पति ने दूसरी शादी कर ली, पहली शादी को छुपा करके। अब जो दूसरी पत्नी है उसकी तो कोई गलती नहीं, उसको जानकारी नहीं थी। क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी पूरे वीडियो में हम लोग अंत तक बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और रेफरेंस लेते हैं सेक्शन 125 सी आरपीसी 1973 का। जी हाँ, मेंटेनेंस का जहां पे प्रोविजन है। और क्या सेकेंड वाइफ दूसरी पत्नी भी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिली क्लेम कर सकती है हस्बैंड से या नहीं, तो ये केस था। और इसी प्रकार के केस में जहां पर वाइफ ने मेंटेनेंस का पिटीशन कोर्ट में फाइल किया, उसने ये बताया कि उसने ऑलरेडी जो मैरिज की थी वो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके हिसाब से की थी। और जैसे ही उसकी शादी हुई तो शादी होने के टाइम पे पति ऑलरेडी मैरिड था, मतलब वो पहले से शादीशुदा था। उसने तलाक नहीं लिया, किसने, पति ने, और उसने दूसरी शादी कर ली। वाइफ जो सेकेंड वाइफ है उसने अब कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दायर किया। तो जो हस्बैंड का कंटेंशन था, हस्बैंड ने कोर्ट के सामने ये अपने रिप्लाई में दिया कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, उसका रीजन हस्बैंड ने ये बताया कि वाइफ क्योंकि सेकेंड वाइफ है और उसकी जो सेकेंड वाइफ है उसने पहली वाइफ के साथ तलाक नहीं लिया, तो उसकी दूसरी वाइफ वैलिड मैरिज से नहीं है। तो ये एक वॉइड मैरिज हो गई। और जहां पे वॉइड मैरिज होती है वहां पे सेकेंड वाइफ को 125 सीआरपीसी के हिसाब से मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। हस्बैंड सीधा सीधा ये कह रहा है कि वो मेरी पत्नी ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पत्नी रखा हुआ हूं, मैंने मैरिज की हुई है और उससे मुझे तलाक नहीं, तो मैं दूसरी पत्नी को मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं हूं। अब जो सेकेंड मैरिज थी, कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि आखिर फैक्ट क्या है। फैक्ट में कोर्ट ने ये देखा कि क्या हस्बैंड ने दूसरी शादी करते वक्त अपनी दूसरी पत्नी को, जिसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, उसे ये बताया था कि वो मैरिड है या नहीं है, छुपा के शादी की या बता के शादी की। यहां पर पति ने छुपा के शादी की थी, यानी जो दूसरी पत्नी थी उसे ये नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है और उसने तलाक नहीं लिया है। और इस कंडीशन में कोर्ट ने ये कहा कि जो हस्बैंड है वो मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के हिसाब से हकदार है, वाइफ को मेंटेनेंस देगा जो दूसरी वाइफ है, भले ही पहली शादी से अभी हस्बैंड को तलाक नहीं हुआ उसके बावजूद। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि हस्बैंड अपने खुद के मिसचीफ या खुद के गलत कामों की वजह से उसका फायदा नहीं ले सकता, एक तो उसने धोखा किया, दूसरी वाइफ को बताया नहीं, और उसके बावजूद वो कोर्ट में इसी चीज का फायदा लेकर के कि नहीं नहीं मेरी तो ऑलरेडी अभी शादी हो रखी थी और मैंने तलाक नहीं लिया, इसका फायदा नहीं उठा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो रेफरेंस दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और ये केस है यमुना बाई केस, 1988 का केस है। और इस यमुना बाई केस को अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसके साथ ही वाइफ जो सेकेंड वाइफ है, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर उसे पता है कि उसका पहला जो जिस जो भी पति है वो पहले से शादीशुदा है और उसके बाद अगर शादी करती है, तो एक तो शादी उसकी वैलिड नहीं होगी और दूसरा वो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन कंडीशन तब उलट हो जाएगी, पलट जाएगी, जब पति ने बिना बताए वाइफ को, सेकेंड वाइफ को धोखे में रखते हुए दूसरी शादी कर ली। इस कंडीशन पे अगर वाइफ को नॉलेज नहीं है उसकी फर्स्ट मैरिज से, तो डेफिनेटली जो सेकेंड वाइफ है मेंटेनेंस की हकदार है और वो पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और ये बादशाह वर्सेस उर्मिला गोडसे का केस का मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं, 2014 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पेज नंबर 188 में है। अगर आप ये बादशाह वर्सेस उर्मिला गोडसे का जजमेंट भी फाइंड आउट करेंगे तो आपको काफी हेल्प रहेगा आपके केस में, अगर इसी प्रकार का आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो। तो स्थिति स्पष्ट है आपको, जैसा मैंने बताया, अगर सेकेंड वाइफ का इंटेंशन क्लियर है, उसे पता है कि उसके पहले पति ने उस ऑलरेडी मैरिज करके रखी है, शादी करके रखी है, और फिर सेकेंड वाइफ से शादी कर लेता है, तो इस कंडीशन में 125 मेंटेनेंस की वो हकदार नहीं होगी। लेकिन अगर पति ने झूठ बोल करके शादी की, दूसरी मैरिज की, तो जो पत्नी है वो मेंटेनेंस की हकदार होगी, सेकेंड वाइफ। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके साथ ही अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस।
घंटी बजाना ना भूलें। और अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, इसके लिए धन्यवाद।